इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर गूगल ने डूडल बनाकर महिलाओं और उनके जज्बे को सलाम किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपको बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी फिल्मों ने देश और हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा दिया है। श्रीदेवी, उनकी फिल्में आज भी हमारे दिलों में उन्हें जिंदा रखती है। कई साल बॉलीवुड से दूर रहने के बाद वापसी करने वाली श्रीदेवी की 2012 में आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश ने लोगों को काफी प्रभावित किया था। कंगना रनौत, विकास बहल द्वारा निर्देशित फिल्म क्वीन में कंगना रनौत के अलावा कोई भी बड़ा स्टार नहीं था, इसके बावजूद इस फिल्म ने सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने देखने के बाद कंगना की शानदार एक्टिंग के लिए उनके घर पर एक गुलदस्ता भी भेजा था। विद्या बालन, डर्टी पिक्चर 2011 में बनी सिल्क स्मिता की जीवनी पर आधारित फिल्म है। विद्या बालन, नसरुद्दीन शाह और इमरान हाशमी ने फिल्मों में मुख्य किरदारों की भूमिका निभाई है। प्रियंका चोपड़ा, मैरी कॉम एक भारतीय हिंदी बॉलीवुड फिल्म है जो 2014 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। यह एक जीवनी फिल्म है जो मुक्केबाज मैरी कॉम पर आधारित है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने लीड रोल निभाया था। रानी मुखर्जी, फिल्म मर्दानी में रानी मुखर्जी ने एक दमदार पुलिस अफसर का किरदार निभाया था। उन्होंने एक माँ और पत्नी की जिम्मेदारी निभाते हुए कैसे वे अपने पुलिस अफसर का फर्ज किसी भी हाल में पूरा करती है, यह दर्शाया गया है। रानी की इस फिल्म के लिए काफी प्रशंसा हुई।